समाज के एकता कुंभ सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। जब जब इस देश पर आपत आई है तो इस समाज ने सबसे आगे पंक्ति में खड़े होकर कुर्बानियाँ दी हैं, और इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि आज इतिहास में अगर हम याद करें, अगर हम गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की बात करें, तो 835 ईस्वी से 900 तक विदेशी किसी भी आक्रांताओं को देश की सीमा की ओर नहीं झोंकने दिया, जिनका राज कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो हम बिल्कुल शून्य हैं, राजनीतिक स्तर हमारा कुछ है नहीं। जितनी हमारी आबादी है इतनी अन्य समाजों की आबादी है बराबर, लेकिन कहीं पर भी अगर डिबेट चर्चा चलेगी सब पे चलेगी, लेकिन कभी गुर्जर समाज के नाम पर नहीं चलेगी। कि जब तक ये जीवन रहेगा, इस शरीर की एक एक बूंद रहेगी शरीर में, जब तक ये जीवन समाज के लिए राष्ट्र के लिए समर्पित है और इसका दूसरा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। भाई अभी मैंने एक पंचायत में मुझसे लोगों ने अपील करी कि भाई अमित भाई आप पहलवान अमित भाटी लिखते हो, मैंने बताओ क्या लिखना है, बोले आज से पहलवान अमित गुर्जर लिखना, मन की फाइनल। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। इस समय मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ और ग्रेटर नोएडा की भूमि पर गुर्जर महाकुंभ का जो है वो आगाज़ हो गया है। 31 अक्टूबर यानी कि आने वाले 10-12 दिन बाद ही आपको गुर्जर महाकुंभ जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। तो पूरी जानकारी लेंगे कैसे हो रहा है, किसके द्वारा, थोड़ा सा सारी जानकारी लूँगा। मेरे साथ अमित पहलवान जी हैं, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप पर, सभी पत्रकार बंधुओं को और ख़ासकर हिंद फोकस का। जैसे कि आप सबको अवगत है पिछले लंबे, क्योंकि आप क्षेत्र के बहुत ही जिम्मेदार पत्रकार हैं, आपको जानकारी है कि पिछले फरवरी के महीने से लगातार समाज के एकता कुंभ सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। फरवरी में हमने इसकी मीटिंग शुरू करी, उसके पीछे बहुत से कारण ये थे कि अन्य जो संस्थाएं हैं, जो एक सामाजिक संस्था हैं, उनको अपनी निजी संस्था समझकर समाज के नाम पर कोई भी आयोजन कर उसमें उन लोगों ने अन्य बिरादरी के लोगों को बुलाकर अध्यक्षता कराई, जिससे क्षेत्र में और समाज में बहुत भारी रोष रहा। हमने विशेष रूप से, हम गए भी, हमने उनसे विशेष रूप से जाकर ये भी कही कि इलाके में आपके प्रति रोष है, आप गुर्जरी करने वाले को नाम देकर कार्यक्रम कर रहे हो तो उसमें समाज के ही लोग होने चाहिए, समाज के जनप्रतिनिधि लोग होने चाहिए, आपने किसी को फ़ोन करके अवगत नहीं कराया। ये बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ कई दिन से 40-50 गांवों के बुजुर्ग हमारे पास आ रहे हैं और वो कह रहे हैं जी गुर्जर संस्थान किसी एक का है। तो इस तरीके की चीज़ों पर बात शुरू हुई, पहली मीटिंग फरवरी में, दूसरी मीटिंग जो शुरुआत हुई वो भाई रकम सिंह भाटी डाढ़ा वाले हैं, उनके आवास से शुरू हुई, जिसमें करीब 30-35 गांवों के बड़े प्रबुद्ध लोग इकट्ठे हुए और सबने बैठ के निर्णय लिया कि भई आज समाज को संगठित होकर दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब जब इस देश पर आपत आई है तो इस समाज ने सबसे आगे पंक्ति में खड़े होकर कुर्बानियाँ दी हैं, और इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि आज इतिहास में अगर हम याद करें, अगर हम गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की बात करें, तो 835 ईस्वी से 900 तक विदेशी किसी भी आक्रांताओं को देश की सीमा की ओर नहीं झोंकने दिया, जिनका राज कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अगर हम बात करें कि पूरे देश को जो 562-65 रजवाड़ों में बटा हुआ था और एक करने का अकल मात्र एक व्यक्ति ऐसे थे जैसे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने पूरे देश को एक करने का काम किया। अगर हम बात करें त्याग की, तो इस समाज की बराबर किसी ने त्याग नहीं किया। माँ पन्नाधाय जिसने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी ठाकुर समाज के आखिरी वंशज को बचाने के लिए, अगर वो कुर्बानी याद नहीं होती तो महाराणा प्रताप को कोई इतिहास नहीं होता। और अब अगर अन्य रूप से आप बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, कश्मीर में जिस समय हमारे ब्राह्मण समाज के साथ शोषण हो रहा था 90 के दशक में, आपके गुर्जर मुसलमानों ने वहाँ पर खड़े होकर उनके लड़ाई लड़ी, उनके साथ खड़े रहे और उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया। तो ये तो मार्शल कौम रही है। और उसके बावजूद अगर हम आज रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो हम बिल्कुल शून्य हैं, राजनीतिक स्तर हमारा कुछ है नहीं। जितनी हमारी आबादी है इतनी अन्य समाजों की आबादी है बराबर, लेकिन कहीं पर भी अगर डिबेट चर्चा चलेगी सब पे चलेगी, लेकिन कभी गुर्जर समाज के नाम पर नहीं चलेगी। ये समाज में एक बहुत बड़ा दर्द है। पिछले 15 वर्षों से मैं लगातार समाज हित में कार्य करता हूँ, मैं जातिवादी प्रथा को नहीं मानता बिल्कुल भी,
लेकिन जिस जाति में हमने जन्म लिया है उसका भी हम पे एक बहुत बड़ा ऋण होता है। मैं चाहता तो पिछले 15 वर्षों में अनेकों मौके मेरे पास ऐसा है कि मैं धन भी बहुत अच्छा कमा सकता था, आंदोलनों बहुत आंदोलन मैंने ज़िले में किए, मैं चाहता तो किसी भी पार्टी टिकट भी ले सकता था, लेकिन मैंने अपनी सोच, चाहे स्थिति परिस्थिति कैसी रही हो, मैंने अपने विचारों के साथ कभी समझौता नहीं किया। और मैं लगातार जिस दिन मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया था उससे लेकर आज तक कि जब तक ये जीवन रहेगा, इस शरीर की एक एक बूंद रहेगी शरीर में, जब तक ये जीवन समाज के लिए राष्ट्र के लिए समर्पित है और इसका दूसरा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, उसी के तहत अब ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ बहुत ही प्रमुख लोग जुड़े हुए हैं जो लगातार 8 महीने से बेचारे हमारे साथ गांव-गांव में धूप गर्मी बरसात सब में गए हैं। जैसे मुख्य रूप से बलबीर प्रधान जी हैं, हमारे गिरधरपुर से छोटे भाई हैं रविंदर हैं, आपका देवटा गांव से हैं मास्टर जितेंद्र भाटी हैं, भाई सौमिंदर हैं, चीती से हैं भाई युवा साथी हैं तीनू हैं, नंगला से हैं और काफ़ी गांवों के जो लगातार इसमें टीम लम, एक हमारे भाई मुरसदपुर से है और गांव-गांव से इसमें जो है काफ़ी जो है कम 60-70 गांवों की जो लोगों की कमेटी है, सब ने यही निर्णय लिया क्योंकि बीच में मैं अस्वस्थ हो गया थोड़ा, मेरी डिस्क में प्रॉब्लम थी, डिस्क की प्रॉब्लम के बाद एक ऑपरेशन हो गया पैर का, ऑपरेशन होने के बाद में फिर मुझे ब्लैकआउट हो गया, फिर हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो 8-7 दिन पहले बड़े गंभीर गए और अभी भी स्थिति में सुधार ज़्यादा है नहीं। हमें पदयात्रा शुरू करनी थी लेकिन हम पदयात्रा जो इतवार आ रहा है आपके बीच में अभी, इस इतवार से ही हम शुरू करेंगे पदयात्रा। उससे पहले जो भी हमारे मुख्य अतिथि कार्ड बन चुके हैं और इसका जो प्रचार सामग्री तैयार हो गई है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे और इतवार जो अब आएगा उससे हम पक्का हमने तय कर लिया, चाहे स्थिति कोई भी हो शरीर की, हम इतवार से लेके और 30 तारीख तक लगातार लोगों के बीच में रहेंगे, गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे और हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि ये किसी की पर्सनल ना चुनावी रैली है ना ये लोकसभा की रैली है, इसका सिर्फ एक स्वार्थ है कि आज इन ज़मीनों पर, जिन ज़मीनों पर आपके हमारे बड़े बूढ़ों ने हल चला कर, अपना खून से सींच कर अपने घर का आलन पालन किया, और सबसे बड़ी चिंता ये है कि आज जब हमारा युवा वहाँ पर जाता है तो गेट पे से ही उसका बायोडाटा फेंक दिया जाता है, ये स्थिति हमारी हो गई। हम शिक्षा की बात करें उसमें भी हमारा कोई स्तर नहीं है, अगर हम राजनीतिक रूप से बात करें तो देख लो राजनीतिक में आपका क्या स्तर है, एक भी मिनिस्टर आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, जिसमें इस समाज ने पूरे देश में पूरे प्रदेश में एक तरफा होकर वोट दिया, उसके बाद भी हम पे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। अगर हमें सीखने की जरूरत है जाट समाज से, वो सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ते हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं, उनके गवर्नर हैं, उनके उपराष्ट्रपति हैं, उनके 4-4 मिनिस्टर हैं, 4-4 केंद्र में हैं और आप सुनने पर हैं, कहीं लड़ाने की बात हो कहीं और कुछ करने की बात हो तो आगे कर देते हैं, और जहाँ पर अधिकारों की बात आती है वहाँ पर इस समाज के नाम पर सबको सांप सूंघ दिया जाता। तो इस दर्द को लेकर ये काफ़ी हमने मांगें तैयार करी हैं, सभी बुद्धिजीवी लोगों ने इनको तैयार किया है। एक हमारी इसमें मांग थी कि राजस्थान मध्य प्रदेश की तर्ज पर एक देवनारायण बोर्ड का गठन है, जिससे समाज के बहुत ही जो दबी कुचली बहनें बेटियाँ होती हैं उनकी पढ़ाई का ये बहुत मोटा बजट साल में इसका आता है। अभी ये मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ है, ये हमारी बहुत प्योरिटी है कि ये हो गया, क्योंकि अभी कटआउट आया था राजस्थान में 1300 बच्चियों को स्कूटरी मिली थी इसी देवनारायण बोर्ड की वजह से। तो इस पर हमारा प्रयास है कि इसे हम बाबा धन सिंह कोतवाल जी के नाम से एक बोर्ड यहाँ पर भी बन जाए देवनारायण का। और हमारी ये मांग है गुर्जर समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी में, जहाँ राजनीतिक हिस्सेदारी चाहे कोई भी दल दे उस दल को ही वोट करना चाहिए, जो खाली आपका शोषण करता हो ऐसे लोगों को कभी साथ में नहीं लगाना चाहिए। एक मैं खासकर युवाओं को एक मैसेज और देना चाहता हूँ, ग्रेटर नोएडा बहुत संपन्न जगह है, नोएडा बहुत संपन्न जगह है, हमारे युवा एक एक महीने का 4-4, 5-5 लाख रुपया नेताओं के गाड़ी के पीछे दौड़ लगाने में ख़राब कर देते हैं और उनको धमक सटक के अलावा कुछ नहीं मिलता। मैं उनसे ये अपील करना चाह रहा हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि पिछलग्गू बनना ख़त्म करो, अपनी ताकत स्वयं बनो, अपनी लाइन लंबी करो। ये निश्चित है जिस दिन आप सब लोग संगठित हो गए कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं रहेगा जहाँ पर आपको सम्मान ना मिले। तो
तो मैं सभी से अपील करूंगा, क्योंकि अभी हमें एक आध दिन में मैं शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा सोन नगरी में, और ख़ास कर मैं अपील करूंगा, मैं तो जितनी भी पंचायतें हुई हैं अब तक पिछले 8 महीने में लगातार मैंने हर जगह कहा है कि मुझे नेतृत्व की आवश्यकता है नहीं, आप हमें 2 बच्चे दे दो, 1 बुजुर्ग दे दो, हम उनके पीछे खड़े होकर संघर्ष करेंगे। तो ये सारी बात होने के बाद भी अगर लोगों में उत्साह ना हो तो ये देखो उसका खामियाजा उन सबको भुगतना पड़ेगा। मेरा तो अपना तय है, मैंने तो कोई दूसरी चीज रास्ता मेरा है ही नहीं, सफल होंगे तो भी, अगर कहीं ऊपर नीचे बात हुई तो भी, लेकिन मेरे तो जीवन का तय है कि मैं तो सेवा में ही कुर्बान होना है और इसका कोई उद्देश्य नहीं, ना मुझ पर हार का ना जीत का कोई फर्क पड़ता। बहुत अच्छी पंक्ति मुझे याद आ रही है, अटल जी कहा करते थे, क्या हार है क्या जीत है किचित नहीं भयभीत में, करते पथ पर जो भी मिला वो भी सही और ये भी सही, वरदान नहीं मांगे हो कुछ भी पर हानि नहीं मांगे। और कोई बात हो तो आप बताओ। अब ये तो हो गई यहाँ की बात, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि और भी लोग बाग इच्छुक हैं इस बात को जानने के लिए कि जो ग्वालियर में जो ये प्रकरण हुआ था उसका निष्कर्ष क्या निकला। साथियों पत्रकार भाई, निष्कर्ष ये था, जब हम ग्वालियर गए थे हमारी दूसरी तीसरी मीटिंग थी ग्वालियर में, उससे पहले भिंड में भी थी और जगह थी, तो उस दिन बहुत बड़ी मीटिंग हमारी चल रही थी जिसमें करीब 50-60 से ज़्यादा ही संख्या होगी, बहुत बड़ी संख्या थी, और उस संख्या का फायदा उठाकर, क्योंकि आपकी एक ताकत पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश में गूंज रही थी कि भाई ये समाज संगठित हो गया। मैं बार बार ये बात कहता हूँ मंच के माध्यम से, हम संगठित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम में बैठने की क्षमता नहीं है, हम अनुशासन में नहीं है, तो उससे कोई लाभ नहीं होता, चाहे तुम कितनी भीड़ इकट्ठी कर दो। अगर 1000 की संख्या में भी लोग हो लेकिन वो अनुशासित हो, वो कार्यक्रम का मैसेज बहुत ऊपर तक जाता है। उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुसे, हम बीते, हमारे भी भाषण हुए, अटल प्रधान जी के हुए, मुखिया के हुए, आपके रविंदर के हुए, हमारे हुए, बहुत अच्छे से कार्यक्रम चल रहा था। इसका लाभ उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्व उस भीड़ में घुसे और हमारे लोगों को बरगलाकर वो मुख्यालय ले गए, डीएम मुख्यालय ले गए कार्यालय पर, और वो उनकी पहले से ही पीरी पिलान थी, उन्हें पता था कि शाम तक इसके निष्कर्ष निकल जाएंगे। 2-5 मांगे थी जिन 2 मांगों को तुरंत स्वीकार करने की बात हो गई थी। उसके बाद में मुख्यालय पर जो नंगा नाच हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, SSP की DM की गाड़ी तोड़ी गई, एक इंस्पेक्टर के सिर में 12 टाके थे। आरोप ये लगाया गया था कि जब कुछ ऐसे नेता भी थे जिन्होंने वो भाषण बोले हैं कि हाँ हम वहीं चलेंगे और बैरिगेट तोड़ेंगे, कुछ इस तरीके से। जब इस तरीका की सभाएं होती हैं, लोग बाग वो किसी के सगे नहीं होते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो समाज का कहीं भी नुकसान करना चाहते हो, बोल कर आग लगाना, लोगों को बरगलाना, ये कुछ लोगों की फिसरत में आ गया है, तो ऐसे लोगों से भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें ना किसी से कोई मतलब है ना कुछ है, उन्हें मतलब है खाली आग लगा के और उसको बलाना, चाहे उसमें पूरा समाज कुर्बान हो जाए, नौजवानों का भविष्य ख़त्म हो जाए। मैंने कभी भी ऐसी राजनीति नहीं करी। एक अभी कुछ दिन पहले शायद 2021 के करीब है, एक बिलासपुर में रामपुर गाँव पड़ता है, वहाँ एक प्रकरण हो गया था हिंदी मुस्लिम वाला, तो उसको मुझसे लगातार, क्योंकि टच में रहते थे उन गांवों में, मैंने लगातार बहुत काम किए हैं, तो उन लोगों ने जो है, जब आपस में इनकी ऐसी वारदात स्थिति बन गई, गांव में 40 नौजवानों पर मुकदमे लग गए, पूरी रात गांव खाली पड़ा रहा, युवा पूरी PSC वहां पर फोर्स लग गई, कुछ लोग वहां पर पहुँच के हिंदुत्व की बात करने का प्रयास कर रहे थे, उनको रोका गया, और कुछ लोगों ने मेरे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझसे कहा पहलवान जी तुम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो, राजनीति ये कहती है चाहे कोई मरे गिरे, चाहे बच्चे इनका भविष्य ख़राब हो, चाहे वो मरे, चाहे उनका बलिदान हो जाए, लेकिन राजनीति ये कहती है कि ऐसे मौके का लाभ लेना चाहिए। मैंने कहा मैं यहाँ ही थूकता हूँ इस चीज़ को, अगर मुझे अपने नौजवान साथियों को उनके भविष्य को ख़राब करने के बाद में ये चीज़ करनी पड़े तो ऐसी राजनीतिक सामाजिक जीवन से अच्छा है मैं अपने घर से बाहर पहनने रखूँ, लेकिन मैं राजनीति की बिल्कुल भावनात्मक वाली करूँगा, दिल से करूँगा, दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, मैं दिल का इस्तेमाल करता हूँ,
और पिछले 15 वर्षों में अनेक परेशानी झेलते हुए मैं बता नहीं सकता अपने जीवन की परेशानी। मुझ जैसे व्यक्ति से परिवार भी संपन्न खुश नहीं रहते, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन कुर्की के चस्का लगाता या परेशान करता तो सबको तंगी होती है। लेकिन ये मेरे तय है, मैं विचारों के साथ समझौता नहीं करता, चाहे कल की आई हुई आज आ जाओ, कोई मुझे एक सेकंड की भय नहीं है। तो मैं यही कहते ना कोई ताकत मुझे झुका सके, भगवान के सामने मैं नतमस्तक होता हूँ, उसी के सामने चप्पल काटता हूँ। आज तक मैंने जीवन में किसी का पिछलग्गू नहीं बना, ना किसी के पीछे खड़े होकर नारे लगाए। वह उद्देश्य इतना है कि समाज को मुख्य धारा में ला कर बैठा दूँ, तो मेरा जीवन जीने का जो आया है धरती पर जीवन, वो सार्थक हो जाएगा। इसी पे मेरा प्रयास लगातार रहेगा जब तक जीवन है। जी, जो मीर भोज, सम्राट मीर भोज वाला है, इसमें जो समाज बट रहा है कहीं ना कहीं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो मैं सीधा सीधा कहूँ तो जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हो जाते हैं, हमारे कथा कथित वरिष्ठ नेता हो जाते हैं, उनकी बात तो कहीं सुनी नहीं जाती है, लेकिन कथा कथित वो वरिष्ठ नेता हो जाते हैं, तो वो इस प्रकरण से काफ़ी बचते हुए नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहें? देखो मैं बताऊँ, जहाँ इंसान मैं और मेरे के लिए लड़ेगा, वो इंसान कभी किसी का भला नहीं कर सकता। और जो इंसान मैं और मेरे का त्याग करके काम करेगा, वो इस समाज में भला कर सकता है। अगर आप इतिहास उठा कर देखें, चाहे स्वामी विवेकानंद जी को ले लो, महर्षि दयानंद जी को ले लो, ईसा मसीह को ले लो, गुरु नानक को ले लो, साईं बाबा को ले लो, जब तक वो लोग जिए, उन लोगों को चैन से जीने नहीं दिया। कोई पाखंडी, कोई पत्थर मारे गए, कोई जहर खवाए गए, कोई कुछ करे गए, गाली दे के, गुप्तार दे के, उन्होंने संबंध में सहन करते करते आगे बढ़े। आज उन लोगों को याद करते हैं, आज उन सब लोगों को याद कर। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही कि गुर्जर सम्राट जो हमारे मीर भोज जी है, ये प्रकरण पूरे देश में इस तरीके से क्या बवंडर मचा। आप पत्रकार हैं, आप अध्ययन भी करते होंगे, इस बात पर आप गौर करें कि 2021 से पहले किसी को कोई विरोध नहीं था। अगर आप 90 के दशक की बात करें, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, आप अक्षरधाम मंदिर में आज चले जाओ, वहाँ पर गुर्जर सम्राट प्रतिबोध के नाम से लिखा हुआ है। हाँ, दिल्ली में चले जाओ, अभी मेरे सिसोदिया ने भी किया था, पहले साहब सिंह वर्मा ने भी किया था। और अगर आप 2014 की बात करो, तो जब आपका संग्रहालय बना था ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पर आपका गुर्जर संस्थान है, उसके बराबर में जब वहाँ पर वो बना था, उसमें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र भाई मोदी जी आए और उन्होंने उस मूर्ति का अनावरण किया। तो अभी परहेज क्यों? CM रहे हैं हमारे वहाँ के रावत जी, जो उत्तराखंड के रहे, उन्होंने वहाँ पर कही ऐसे गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के नाम पर। धीरेंद्र ठाकुर ने भी एक बार शायद दादरी जब बिरहोर बनना था, इनने भी कहा था गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज के नाम से स्टेशन बनना चाहिए। तो ये समझने की जरूरत है कि आपको 2021 के बाद में क्यों आग लगी। उससे पहले तो किसी को कोई अपराध वो नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं थी, सारे शिलालेख हमारे पास, पुराने तत्व हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, फिर वही बात कह रहा हूँ, कुछ लोग इनके नाम पे, महापुरुषों के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं और समाज को दोहरे बांटना चाहते हैं। वो जो समाज है, जैसा कि ठाकुर समाज है, राजपूत समाज है, वो भी तो यही कह रहे हैं कि भाई आप गुर्जर वर्ड को हटा दीजिए इसके आगे से। क्यों हटाएं? क्यों हटाएं? मेरे बाप का नाम अगर साथ वीर भाटी है, तो मैं भाटी को क्यों हटाऊं? जब हमारे बुजुर्गों का जो नाम है, उसको मैं क्यों हटाऊं? भाई अभी मैंने एक पंचायत में, मुझसे लोगों ने अपील करी कि भाई अमित भाई आप पहलवान अमित भाटी लिखते हो, मैंने बताओ क्या लिखना है, बोले आज से पहलवान अमित गुर्जर लिखना, मन की फाइनल। तो इसमें क्या बुराई है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ और आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि 2009 में राजस्थान में एक आंदोलन हुआ था, और वो आंदोलन देश की आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें हमारे देश के 74 जवान राजस्थान के उन मांगों को लेकर अपना बलिदान दे दिया, लेकिन पीछे नहीं हटे। उस समय पूरे देश में नहीं, एशियाड में ये चर्चा हो गई थी कि गुर्जर समाज कोई कौम है, लड़ाकू मार्शल कौम है। और उसी समय अगर एक दिन उस दिन पार्टी की घोषणा हो जाती, तो आज आप एक बहुत मजबूत स्थिति में होते। लेकिन उनको पिल्लोबंद देकर, बैसला साहब के संघर्ष को पिल्लोबंद देकर, उन्हें चुनाव भी लड़ाया और फिर चुनाव लड़वाया और हरवाया। फिर अन्य उनके सामने क्या सांसद, क्या राज्यसभा सांसद, क्या हैं?
543 से ज़्यादा तो लोकसभा मेंबर हैं, 245 राज्यसभा हैं, 4000 से ज़्यादा विधायक हैं। उस व्यक्ति के तो अकेले का नाम इतना बड़ा हो गया, तो इनके नाम के बराबर में कोई कौन जानता। तो मुझे 30 विधायकों के नाम बता दो, नहीं बता पाओगे। लेकिन उन बाबा कर्नल करोड़ी का आप दुनिया में कहीं चले जाओ, देश में बता देंगे भी राजस्थान के थे। तो उनके सामने कोई पद बड़ी चीज़ नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूँ इन सारी चीज़ों से सीखने की आवश्यकता है। अभी तो हम पे पिल्लो बनाएंगे, हमारे आदमियों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। जो टीम के लोग हैं उनको भी तोड़ने का काम शुरू कर दिया लोगों ने, और बहुत सी चीज़ आएंगी सामने। और वो तो मैं धन कहीं से, इन सब लोगों का जो छोटा मोटा सहयोग है वही है, और नहीं तो जो बड़ी व्यवस्था होगी वो मुझे ही, चाहे कहीं ब्याज पे लेना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, वो सारी चीज़ें तैयार करनी है। तो ये सारी स्थिति है भैया। और आप बताओ कुछ, मैं और बताऊँ आप। नहीं, मैं एक और आखिरी था, लेकिन एक और मैं सवाल जो मेरे बहुत देर से दिमाग में आ रहा है वो ये कि ये, क्योंकि बहुत जगह देखो सब तरीके की चर्चा चलती है, तो कुछ लोग जो हैं वो ये भी इस तरीके की बातें करते हैं कि भाई हो सकता है कुछ राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हों, ये जो गुर्जर उत्थान समिति है ये कुछ इस तरीके का अपना राजनीतिक लाभ, तो मतलब ऐसी चर्चाएं चलती हैं। लोगों ने असल में क्या है, मेरी बात सुनो, मुझे गाँवों में एक बात तुम मत क्या करो, लेकिन मैंने जितनी भी पंचायत की हैं मैं सबसे पहले ये कहता था कि मैं जैसे कोर्ट में गीता को हाजिर नाजिर मान के बाद कसम खाते हैं, जो कहेंगे सत्य किसी को कुछ नहीं, ऐसे ही मैं हर जगह ये कहता था पंचायत में, मैं भगवान को साक्षी मानकर ये कह रहा हूँ। ये उद्देश्य सिर्फ समाज के लिए, इसका दूसरा राजनीतिक विकल्प कुछ नहीं। अगर भविष्य में कोई राजनीति की बात आएगी तो पहले पूरे जिले को बैठाऊँगा जो मुझसे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे पूछूँगा, ये मैंने तय कर रखा है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूँगा। हाँ, मैं बनाने की भूमिका में रहना चाहता हूँ, मैं बनने की भूमिका में नहीं रहना चाहता। मैं सिर्फ समाज को हर प्लेटफार्म पे मजबूती मिले उस पर प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी, और आशा करता हूँ कि आप सब भी इनकी बातों से उतने ही प्रेरित हुए होंगे जितना कि मैं हुआ हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद।